यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि अपकिरण की माप, यानी कि अपकिरण की कैलकुलेशन, जो हमारा स्टैटिस्टिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा था, उसी में हम प्रॉब्लम नंबर 51 तक पहुँच चुके हैं। 50 तक की वीडियो आपके पास ऑलरेडी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशियंट बाई शॉर्ट कट मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा। एज यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन में शॉर्ट कट मेथड का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। शॉर्ट कट मेथड में हम एक वैल्यू एज्यूम करते हैं और एज्यूम करके ही हम dx और डी स्क्वायर एक्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी कैलकुलेशन शॉर्ट कट मेथड से कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 अब आपके सामने स्क्रीन पर बिल्कुल मौजूद है, जिसको आप बाकायदे देखेंगे। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20 और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा, ये जो क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, इस क्लास इंटरवल के हाफ करेंगे, दोनों को जोड़ के यानी एक्स बनाएंगे। 0 और 10 का टोटल होता है 10, तो 10 का हाफ हो गया 5 यानी कि 5। 10 और 20 का टोटल 30 हुआ, 30 का आधा 15। ऐसे 20 और 30 का टोटल 50, उसका आधा 25 होगा। और इस प्रकार से हम एक्स तैयार कर लेंगे। एक्स में से ही एक नंबर अपनी मर्जी से कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो एज्यूम किया है वो 45 एज्यूम किया है। तो 45 को एक्स में से माइनस करेंगे, जैसे कि 5 में से हम 45 को माइनस करेंगे 45 को, तो माइनस का 40 आएगा। 15 में से 45 घटाएंगे तो माइनस का 30 आएगा। इसी प्रकार से 25 में से 45 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा। 35 में से 45 घटाएंगे तो 10 आएगा माइनस का। 45 में से 45 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और 55 में से 45 घटाएंगे 10, और 65 में से 45 घटाएंगे तो 20, 75 में से 45 घटाएंगे तो 30 आएगा। इसे हम डी एक्स बोलेंगे, यानी डेविएशन फ्रॉम एक्स। इसका फौरन स्क्वायर करेंगे, यानी 60, मतलब यहाँ पे जो 40 है 40 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 1600। 30 की मल्टीप्लाई माइनस 30 की मल्टीप्लाई माइनस 30 में होगा तो 900, क्योंकि स्क्वायर करने पर हमारे ये जो निशान है माइनस के, प्लस बन जाते हैं। 20 का 20 में मल्टीप्लाई होगा, तो इस प्रकार से हमारा ये डी स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और इसका हम टोटल नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी भी यहाँ लिखा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाइकेशन यानी एफ की मल्टीप्लाई एक बार तो डी एक्स में होगी और एक बार डी स्क्वायर एक्स में होगी। जब डी एक्स में होगी यानी 15 इंटू माइनस 40, तो यहाँ पर आएगा माइनस 600। फिर 15 की मल्टीप्लाई माइनस 30 में तो माइनस 450 यानी 450 माइनस के। ऐसे ही 23 की मल्टीप्लाई माइनस 20 में होगी तो यहाँ पर 460 माइनस के आएंगे। इस प्रकार से एफ डी एक्स की रचना हो जाएगी। और एफ डी एक्स बनने के बाद अगला स्टेप हमारा होगा, इस एफ की मल्टीप्लाई डी स्क्वायर एक्स में भी हो तो 15 की मल्टीप्लाई 1600 में तो ये आएगा 24000। ऐसे ही 15 की मल्टीप्लाई 900 में तो 13500। 23 की मल्टीप्लाई 400 में तो यहाँ पर 9200। और 22 की मल्टीप्लाई 100 में तो 2200। अब यहाँ देखेंगे एफ डी स्क्वायर एक्स का हम टोटल कर लेंगे और इसका टोटल आएगा 60900। और एफ डी एक्स का टोटल होगा माइनस 1230 यानी कि 1230। एन का टोटल होता है 125। एफ के टोटल को ही हम एन बोलते हैं। अब इसका फार्मूला, सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, यानी कि एफ डी एक्स का यानी कि इसका टोटल जो आया है माइनस 1230, इसको यहाँ रखेंगे, एन 125 नीचे, ए जो हमने एज्यूम किया था 45 उसको बाहर रखेंगे,
45 प्लस 1230 माइनस का अपॉन 125, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 9.84 आएगा। 45 में से 9.84 घटा देंगे तो 35.16 यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से मीन बन जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फार्मूला इसका भी पुट करेंगे, जो समीशन है एफ डी स्क्वायर एक्स का उसको एन से डिवाइड करेंगे माइनस, और यहाँ पर जो एफ डी एक्स का टोटल है ये, इसको हम यहाँ रखेंगे अपॉन एन करेंगे और बाहर ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर देंगे और सब पे रूट। अब इसकी वैल्यू 60,900 ये रहा, 125 एन ये रहा, और माइनस 1230 माइनस के ये रहे एन से डिवाइड करते हुए और स्क्वायर करके दिखाएंगे और रूट लगा देंगे। इसको 60,900 को 125 से डिवाइड करेंगे तो 487.2 आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 125 से जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, 1230 डिवाइडेड बाय 125 ये आता है 9.84, इसकी मल्टीप्लाई इसी में करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का निशान है और ये इक्वल टू कर दीजिए, तुरंत अपने आप मल्टीप्लाई करके बताएगा 96.8256 है, तो हमने इसको अप्रोक्सीमेट 83 कर दिया है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 390.37 यहाँ पर आएगा। इसका रूट काट देते हैं, 390.37 का रूट ये आता है 19.757, यानी कि अप्रोक्स में ये 56 बन जाएगा, तो 19.76 हो गया। कोफिशियंट ऑफ एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशियंट क्या होगा, तो इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, तो ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन और ये रहा मीन, तो डिवाइड करना ही काम रह गया है, ये रहा इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.562। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं तीनों का, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे है 35.16 मीन, 19.76 स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशियंट है 0.562, ये रहा। तीनों आंसर यहाँ पर बाकायदे मैच हो गए हैं। और अब इस क्वेश्चन को अगर आप शुरू से देखेंगे तो यहाँ से ये बना है और इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हमने इसको बनाया है, और यहाँ से बनते हुए सीधे एक एक करके सारे पॉइंट्स को हमने क्लियर किया और आंसर भी मैच कर दिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बिल्कुल यूनिक प्रश्न है ये, यहाँ पर भी लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशियंट, यहाँ पर मेथड नहीं लिखा गया है कि कौन से मेथड से इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमारी मर्जी है, हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू स्क्वायर मेथड का प्रयोग कर लेंगे, यानी कि एक्चुअल जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है ये भी सही नहीं है, 100 से 200, फिर 100 से 300, 100 से 400, 100 से 500, 100 से 600, इसका मतलब इसे सही करेंगे, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, ये इंटरवल बनेगा और फ्रीक्वेंसी को घटा के लिखेंगे। पहला तो 15 नहीं रहेगा, अगले में 33 में से 15 को माइनस करेंगे, इस प्रकार से पहला 15 रहेगा और दूसरा वाला 18 हो जाएगा। इसके बाद 63 में से 33 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा, और उसके बाद 83 में से 63 माइनस करेंगे तो 20, और इसमें से माइनस करेंगे तो 17, तो ये रहा फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल रेडी हो गया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बिल्कुल यूनिक प्रश्न है ये, यहाँ पर भी लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशियंट, यहाँ पर मेथड नहीं लिखा गया है कि कौन से मेथड से इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमारी मर्जी है, हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू स्क्वायर मेथड का प्रयोग कर लेंगे, यानी कि एक्चुअल जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है ये भी सही नहीं है, 100 से 200, फिर 100 से 300, 100 से 400, 100 से 500, 100 से 600, इसका मतलब इसे सही करेंगे, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, ये इंटरवल बनेगा और फ्रीक्वेंसी को घटा के लिखेंगे। पहला तो 15 नहीं रहेगा, अगले में 33 में से 15 को माइनस करेंगे
तो यहाँ पर हमने देखा 15 को तो ऐसे ही रख देंगे 15, लेकिन अगली फ्रीक्वेंसी के लिए 33 में से 15 को माइनस करेंगे तो 18 लिखेंगे। इस प्रकार से 63 में से 33 माइनस करेंगे तो 30, और 83 में से 63 माइनस करेंगे तो 20, और 100 में से 83 माइनस करेंगे तो 17। ये हमारा क्वेश्चन अब बन चुका, क्लास इंट्रोल और फ्रीक्वेंसी। अब हमारा काम है एक्स निकालने का, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 100 और 200 को आधा करेंगे तो 150 एक्स आएगा, 200 300 जोड़ देंगे 500, उसका आधा हो गया 250, 300 400 जोड़ेंगे आधा करेंगे 350, 400 500 जोड़ेंगे आधा करेंगे 450, 500 600 जोड़ेंगे आधा करेंगे 550, एक्स भी बन गया। अब एक्स का स्क्वायर यानी 150 की 150 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500, 250 की 250 में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 62,500। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप एक टिप्स और सीख लीजिए, 150 की मल्टीप्लाई अगर हमें 150 में करनी है तो पहले हम क्या करते थे, 150 लिख दिया, फिर गुणे का निशान लगाए मल्टीप्लाई का, फिर 150 लिखते थे, फिर 22,500 आया। लेकिन जो टिप्स बताऊंगा मैं, उस टिप्स में आपको एक नंबर है, ये 150 की मल्टीप्लाई 150 में करनी है तो आप एक बार ही लिखेंगे 150 गुणा यानी मल्टीप्लाई का निशान लगाइए, तुरंत इक्वल टू दबाइए, तो ये अपने आप उसकी मल्टीप्लाई उसी में करके बता देगा, तो 22,500 आया, यानी दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं हुई। इसी प्रकार से 250 की मल्टीप्लाई 250 में, तो मल्टीप्लाई और इक्वल टू दबा दीजिए 62,500। ऐसे ही 350 की मल्टीप्लाई है 350 में, तो ये रहा 1,22,500। ऐसे ही 450 की मल्टीप्लाई अगर आपको करनी है तो 450 मल्टीप्लाई का निशान दबाइए और इक्वल टू दबाइए, अपने आप देखिए 2,02,500 ये रहा, तो एक्स स्क्वायर रेडी हो गया। एफ की मल्टीप्लाई एक बार एक्स में करेंगे तो एफ एक्स बना लेंगे, यानी 150 की मल्टीप्लाई 15 में, 250 के 18 में, 350 के 30 में, 450 के 20 में, तो एफ एक्स रेडी हो गया। एफ की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे यानी 22,500 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, तो आप दिखा देता हूँ 22,500 की मल्टीप्लाई 15 में, तो ये आया 3,37,500 ये रहा। ऐसे ही 62,500 की 18 में, 62,500 इंटू 18 तो ये आ गया 11,25,000। तो इस प्रकार से ये एफ एक्स स्क्वायर भी बनता चला गया। इन दोनों का हम टोटल कर लेंगे, टोटल आप देख रहे हैं आपके सामने ही मौजूद है सब चीज़, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं है। इसका टोटल सिग्मा एफ एक्स यानी समीशन ऑफ एफ एक्स किया हमने, 35,600 आ गया, और जो एफ का टोटल है उसे एन बोलते हैं, 100 है, और एफ एक्स का जब टोटल करेंगे स्क्वायर वाले का तो 14,33,000 आ गया है। अब हम फार्मूला लगाएंगे मीन का, तो मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी कि जो समीशन है एफ एक्स का यानी ये 35,600 उसे एन यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 356 आ गया। ये हमारा मीन है यानी कि समांतर माध्य जिसे हिंदी में बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, यानी कि इसको हम एन से यानी 100 से डिवाइड करेंगे, माइनस एफ एक्स का जो समीशन है टोटल है सिग्मा एफ एक्स 35,600 अपॉन में एन लगाएंगे, यानी ये रहा इसकी वैल्यू, और बाहर स्क्वायर और रूट। अब इसको सॉल्व करने का काम बचा है, ये दो जीरो खत्म हो गए, यहाँ पर सिर्फ 1,43,300 बचेंगे, माइनस इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे 356 बचेगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो 1,26,736, और इसका 1,43,300 में से इसे माइनस करेंगे तो 16,564 आएगा। 16,564 को हम रूट में डाल देंगे तो ऐसे 16,564 का रूट, तो यह आया 128.7। भाई इतने लिखेंगे अगर तो जीरो है तो मतलब मैटर क्लोज हो गया, तो इसका आंसर 128.7 आया। तो यहाँ पर 128.7 इसका आंसर आ गया। अब इसका कोफिशियंट लेते हैं, क्या आएगा कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, यानी इसकी जो वैल्यू है 128.7, यानी कि ये इसको हम 356 यानी मीन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर है कोफिशियंट का 128.7 डिवाइडेड बाई 356, तो यह 3615 यानी 0.3615 यानी 15,
0.3615 ये आंसर हो गया। अब इसको मैच कर लेते हैं बुक से, देखते हैं क्या है इसका जवाब। तो बुक में भी इसका जवाब मैच होना चाहिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे सवाल कैसे उड़ रहा धुआंधार। तो भैया यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा मीन 356, 128.7 और 0.3615। तो यहाँ पर देखें 356 और 128.7 और 0.3615 ये रहा। तो तीनों जो है आंसर हमारे मैच हो गए हैं। शुरुआत हमने कहाँ से की थी उसको भी शुरू से आप देखिए, यहाँ से शुरू हुआ है और ये स्टेप बाय स्टेप हमने इसको लास्ट तक बना दिया है और इसका आंसर भी आ चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 52 भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हम नहीं बना रहे हैं, छोटे छोटे बना रहे हैं जिससे कि बच्चों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और बच्चों की समझ में अच्छी तरह आ जाए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने में ठीक नहीं लगता है क्योंकि बच्चे भी फिर बोरियत महसूस करते हैं। वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, वीडियो को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास किसी भी राइटर की बुक हो सकती है, ये मायने नहीं रखता है, आपके पास जो भी राइटर हो, लेकिन आप सवाल को अच्छी तरह समझिए। अगर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपके पास किसी भी राइटर की बुक होगी तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बने रहिए और वीडियो अंत तक देखा कीजिए। अगली वीडियो हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई सोच, एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।